माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी काफी उनका अच्छा कार्यकाल रहा है और पूरा वैश्य समाज उनके साथ है, वो वैश्य समाज के सर्वमान्य नेता है। इसीलिए हम लोग कहना चाहते हैं कांग्रेस के उच्च स्तरीय नेताओं से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी पर किसी तरह का ना आँच आए, इस बात का ध्यान रखा जाए, अन्यथा वैश्य समाज बन्ना गुप्ता जी के पक्ष में सड़कों पर भी अगर उतरना पड़े तो हम लोग उतरेंगे उनको मंत्री बनाए रखने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण आज प्रस्ताव जो पारित किया गया है, आप लोग जानते होंगे कि हजारीबाग जिला का बड़का गांव में एक सिरमा ग्राम है, वहां पर वैश्य समाज की दो बेटियों के साथ पिछले 10 अगस्त को काफ़ी अभद्र व्यवहार किया गया एक समुदाय विशेष के द्वारा, लड़कों के द्वारा, और यहाँ तक कि कान धर के उठा बैठी कराया गया और उनके साथ मारपीट भी किया गया। उनके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हो रहा था। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा ने उनके पक्ष में माननीय वहाँ के श्रीमान पुलिस अधीक्षक हजारीबाग को हम लोगों ने लिखा पत्र में उनको दे करके दोषी लोगों पर कार्रवाई करने का हम लोगों ने आग्रह किया और आज उस पर केस तो दर्ज हो गया, लेकिन दुख की बात है कि उन दोनों बेटियों पर भी और उनकी मां किरण देवी पर भी उन लोगों से केस करा दिया गया है ताकि ये लोग अपने केस में उलझ जाएं और किसी तरह का आगे नहीं बढ़े। हम लोग का आज प्रस्ताव में पारित किए हैं कि दोनों बेटियां जो नाबालिग बेटियां हैं, अंशु कुमारी और सुमन कुमारी, और उनकी मां जो विधवा हैं किरण देवी, पूरा वैश्य समाज उनके साथ खड़ा है। प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई करे, तुरंत पकड़े और इन पर जो केस लादा गया है उसको तुरंत सुपरविजन करके हटाए, अन्यथा वैश्य समाज उन मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन और अभियान चलाएगी। हम लोग आज का यह प्रस्ताव हम लोग पारित किए हैं। पिछड़ों को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन, इन मुद्दों को लेकर पूरे प्रदेश में एक जोरदार आंदोलन की हम लोग फिर से बिगुल बजाएंगे। इसके लिए सभी जिलों में सम्मेलन आयोजित करके कार्यकर्ताओं को जगाना और संगठित करना यह अभी तय किया गया है। उसी के तहत 15 सितंबर को क्रांति की धरती रामगढ़ में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का हम लोग आयोजन कर रहे हैं, जिसमें रामगढ़ सहित पूरे प्रदेश के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता और सदस्य शामिल होंगे और कई अतिथियों को भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आगे की रणनीति और आंदोलन का भी घोषणा करेंगे। इसके अलावा 20 अक्टूबर को हम लोग रांची में हमारा चौथा स्थापना दिवस मनाया जाएगा। चूंकि हर वर्ष की तरह इस बार वह स्थापना दिवस काफ़ी भव्य और बड़ा होगा, उसमें पूरे प्रदेश के लोग आएंगे, विभिन्न राज्यों के वैश्य समाज के नेताओं, मंत्रियों और सांसदों को भी हम लोग बुलाते रहे हैं और उसमें हम लोग अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 लोगों को वैश्य रत्न की उपाधि से भी सम्मानित करेंगे।